आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप WhatsApp से ऐप कैसे सेंड करें। अगर आप WhatsApp से ऐप को सेंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। तो हमें क्या करना है, सिंपल से यहां से WhatsApp को ओपन कर लेना। चलिए मैं क्या करूंगा, WhatsApp को ओपन कर लूंगा। जैसे मैंने WhatsApp को ओपन किया, यहाँ पर लगाता हूँ फिंगरप्रिंट लॉक। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पापा जी को हमें कोई एप्लीकेशन शेयर करना है। ठीक है, तो कैसे शेयर करेंगे। चलिए मैं मानता हूँ कि मुझे इनको इंस्टाग्राम भेजना है या फेसबुक भेजना है, कुछ भी भेजना है। तो हमें क्या करना है, बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर होम वर्कआउट ले लिया कि भाई इस पर देखें वर्कआउट करें। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा शेयर का। कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, शेयर का। शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे WhatsApp हो सकता है आपके हम पहले दिखाई दे, दूसरे नंबर पे दिखाई दे, तीसरे नंबर पे दिखाई दे, चौथे नंबर पे दिखाई दे। हमें WhatsApp पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वी आप डिटेल देखना चाहे पिन, WhatsApp पे क्लिक कर देंगे। सिंपल से फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे, यहाँ से हम ओपन करेंगे और पापा जी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। अब ये देख सकते हैं 26 MB का एप्लीकेशन है, base.apk। देन हम यहाँ पर सेंड करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं अब इनको एप्लीकेशन जा रहा है। जैसे वो इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है जिस तरीके से आप WhatsApp पर ऐप को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलता है क्योंकि मैं यहाँ पे कमेंट हरदम रीड ही करता रहता हूँ और कमेंट का जेन्युइन